आखिर ज़ॉम्बीज हमारे बारे में क्या सोचते हैं और ज़ॉम्बीज को नॉर्मल लोग कैसे नज़र आते हैं। और आज की ये मूवी इन ज़ॉम्बीज पर ही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक आर्मी डॉक्टर को देखते हैं, जो कि एक सीरम के बारे में बता रहा होता है, जिससे कि आर्मी के जवानों को ताकतवर बना सकें। सीरम का एक्सपेरिमेंट वो आर्मी के एक जवान पर कर रहा होता है। जैसे ही वो इसकी बॉडी में सीरम इंजेक्ट करते हैं तो वो शख्स बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद उठकर डॉक्टर के असिस्टेंट पर हमला कर देता है। अब सीरम का ऐसा रिजल्ट देखकर डॉक्टर उसे ठिकाने लगाने के लिए भेज देता है, लेकिन निकम्मे ड्राइवर की वजह से एक ड्रम रास्ते में ही गिर जाता है और इस ड्रम से सीरम निकलकर आइसक्रीम बेस में चला जाता है। और अब यहाँ एंट्री होती है टीम की, जो कि इस सीरम से बेखबर था। टीम और उसका दोस्त माइक इसी कैफे में काम करते थे। टीम ने अपनी बंदी सैंडी को यहाँ बुलाया था, जबकि माइक ने वैनिसा को, और ये चारों मिलकर आज रात यहाँ पार्टी करने वाले थे। कुछ देर बाद चारों मिलकर उसी बेस से बनी हुई आइसक्रीम खाते हैं, जिसके अंदर सीरम चला गया था। और आइसक्रीम खाने के बाद चारों की हालत बिगड़ जाती है और देखते ही देखते चारों ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। लेकिन उन चारों को पता नहीं होता कि वो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, बस उन्हें इतना पता होता है कि उनके सर में थोड़ा सा दर्द है और उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो पूरी तरह से बदल चुके हैं और अपनी हालत बिगड़ते हुए देखकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। अब कार के अंदर टीम जैसे ही हैंडल पकड़ता है तो हैंडल उसके हाथ में आ जाता है। वहीं सिंडी भी अपनी कैट को साथ ले जाने के लिए उठाती है। सिंडी जैसे ही अपनी कैट पर हाथ फेरती है तो कैट वहीं फटकर मर जाती है, क्योंकि इन लोगों को मालूम नहीं था कि सीरम की वजह से इनमें अजीब सी ताकत आ गई है। अब ये चारों पैदल ही हॉस्पिटल जाने का फैसला करते हैं और उन्हें देखकर आम लोग डर रहे थे। टीम कहता है कि दोस्तों, इनके साथ क्या हुआ, ये हमें देखकर क्यों भागे। तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है, क्योंकि तुम लोग इन्फेक्टेड हो और मैं जॉन हूँ, आर्मी का एक पुराना सिपाही, और मैं इस इन्फेक्शन के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और चलो कहीं बैठकर इस बारे में बातें करते हैं। और कुछ देर बाद ये पांचों एक क्लब में पहुँचते हैं, जहाँ सभी लोग देखकर इन्हें डर जाते हैं और इन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं। एक शख्स टीम को गोली से उड़ा देता है, जबकि दूसरा कोई टीम का हाथ काट देता है। अब अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर सैंडी और वैनिसा आम लोगों पर टूट पड़ती हैं और आसानी से उन्हें मार काट देती हैं, जबकि दूसरी तरफ माइक और टीम बिल्कुल ठीक थे और लोगों की मार का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ था। और माइक का हाथ तो अलग होकर भी जिंदा था, जिसे माइक फिर से अपनी जगह पर जोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस सीरम से कुछ और लोग भी इन्फेक्टेड थे, जिन पर आर्मी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये लोग शहर में हर तरफ तेज़ी से फैल रहे थे, जिन्हें आर्मी साफ करने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ जॉन ने भी आर्मी डॉक्टर को ढूंढ लिया था, जो कि एक होटल में जा रहा था, और जॉन उससे इलाज के बारे में पूछना चाहता था। अब जॉन कहता है कि मेरे सिर के बाल उतर रहे हैं, और इतना कहकर वो अपने सर की स्किन उतार लेता है, जिस पर उसे ज़रा भी दर्द नहीं होता। इसके बाद सैंडी उसके सिर पर स्किन रख के कहती है कि हम जल्द ही पहले जैसे हो जाएंगे। अब माइक भी अपने हाथ के साथ पंगा करने लगता है और अपने हाथ की स्किन उतार देता है, जिस पर उसे भी दर्द महसूस नहीं होता। अब थोड़ी देर बाद ये पांचों होटल के किचन में आ जाते हैं। जॉन कहता है कि मैं डॉक्टर के पास जाकर इलाज के बारे में पूछूंगा, क्योंकि मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है, जबकि तुम लोग मेरा यहीं पर वेट करो। और इतना कहकर वो किचन से डिश लेकर बाहर चला जाता है। लेकिन असल दुनिया में वो बिल्कुल ज़ॉम्बी लग रहा था, उसे आम आदमियों की रफ्तार भी तेज़ लग रही थी। अब जब सभी लोग जॉन को देखते हैं तो डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब जॉन भी इस भाग दौड़ को देखकर घबरा जाता है और अपने साथियों को वहाँ से लेकर निकल जाता है। अब कुछ देर बाद ये सारे मिलकर आगे का प्लान बना रहे होते हैं, ताकि वो पहले जैसे हो सकें। जॉन कहता है कि हमारे जैसे और भी बहुत से लोग शहर में मौजूद हैं और उनकी गिनती तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब सिंडी यहाँ पर डर जाती है और कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, और टीम भी उसके साथ जाने का कहता है, ताकि वो उसके पेरेंट्स से शादी की बात कर सके। जबकि वैनिसा कहती है कि उसकी भी आज रात उसके बॉस के साथ मीटिंग थी और वो भी अपने बॉस से मिलने के लिए जा रही है। माइक भी उसके साथ जाने के लिए तैयार था। जॉन कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे तो बस डॉक्टर के पास जाना है और इसके इलाज के बारे में पूछना है, और ये भी पूछना है कि क्यों लोग हमें देखकर भाग रहे हैं, और डॉक्टर ने ही सीरम को बनाया है तो ज़रूर उसके पास इलाज भी मौजूद होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैंडी और टीम भी सैंडी के घर पहुँच जाते हैं, और उधर जॉन भी आर्मी के कैंप के पास पहुँच जाता है। तभी वो एक टेंट के अंदर आता है और कुछ आवाज़ें सुनकर एक अलमारी के अंदर छुप जाता है, और डॉक्टर जैसे ही कोई चीज़ उठाने के लिए अलमारी खोलता है तो उसके सामने जॉन होता है, जो कि कर्नल को देखकर उसे सल्यूट करता है। लेकिन डॉक्टर और कर्नल को उसका सल्यूट समझ नहीं आता और इसके बाद वो उसे बेहोश कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ वैनिसा भी अपने बॉस के पास पहुंच जाती है, और माइक उसका बाहर ही वेट कर रहा था। वैनिसा जैसे ही अपने बॉस के सामने आती है तो उसका बॉस उसे देखकर डर जाता है और वैनिसा को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन वैनिसा के हाथों खुद ही मारा जाता है।
उधर टीम भी सैंडी के पेरेंट्स को मना रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम डर की वजह से छुपे हुए हो, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं सिंडी से शादी करने वाला हूँ। तभी एक बॉम्ब सैंडी की तरफ आता है जिसे डर कर वो वापस फेंक देता है। सिंडी के पेरेंट्स ने टीम के ऊपर बॉम्ब फेंका था क्योंकि उन्हें वो ज़ॉम्बी नज़र आ रहा था, लेकिन वो अपने ही बॉम्ब की वजह से मारे जाते हैं जबकि बेचारे सैंडी को कुछ भी नहीं होता। अब दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर बांधकर उसकी ब्रेन वेव्स बढ़ा देता है। अब वो जॉन की बातों को सुन सकते थे। जॉन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है, जिस पर कर्नल कहता है कि वो जिंदा बनी लाशों को जान से मार डालेगा। कर्नल जॉन को बोलता है कि तुम भी वैसे ही हो, लेकिन जॉन अपने आप को सुपर सोल्जर बताता है। ये सुनकर कर्नल और डॉक्टर बहुत ज़्यादा हंसते हैं और जॉन को मिरर दिखाते हैं कि वो कितना डरावना दिख रहा था। इस पर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को खोल लेता है और इसके बाद वो कर्नल और डॉक्टर पर हमला कर देता है। तभी वहाँ एक सोल्जर आ जाता है और वो दोनों भाग जाते हैं और जॉन उस सोल्जर को मारकर वहाँ से निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ वो चारों दोस्त फिर से मिल जाते हैं। टीम यहाँ पर कहता है कि वो जल्द ही सैंडी से शादी करने वाला है। टीम के इस फैसले से माइक और वैनिसा बहुत खुश होते हैं और चारों अपनी खुशी मनाने के लिए एक गेम पार्लर आते हैं और बॉलिंग करते वक्त माइक का हाथ फिर से एक बार निकल जाता है, जबकि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को वो ज़ॉम्बी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो सभी लोग ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि शायद हम लोगों ने ज़्यादा ही पी रखी है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर एक शख्स आकर सैंडी के साथ फ्लर्ट करने लगता है जिसे देखकर टीम को गुस्सा आ जाता है और आम लोगों को भी पता चल जाता है कि वो लोग नशे में नहीं हैं बल्कि उनके सामने असल ज़ॉम्बीज हैं और सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। वो लोग उन्हें मारने की भी कोशिश करते हैं लेकिन सैंडी और वेनिसा ऐसा होने नहीं देती। टीम एक शख्स की बाजू उखाड़कर उसी से उसे पीटने लगता है और इसी बीच एक आदमी ने गुस्से में आकर माइक का सिर ही उतार दिया। अब वेनिसा किसी तरह माइक का सर संभालती है जो कि अभी तक जिंदा था। तभी जॉन वहां पर आकर बताता है कि दोस्तों इस इन्फेक्शन का कोई भी इलाज नहीं, हम कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते। अब उसकी ये बात सुनकर सभी दोस्त सैड हो जाते हैं और वहां पर मौजूद बाकी सभी लोग भी वहां पर आ जाते हैं जो कि सीरम वाली आइसक्रीम खा रहे थे, जिससे कुछ ही देर में वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आकर सभी इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगती है लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बीज ज़्यादा होने की वजह से जल्दी उन्हें मार देते हैं। माइक यहाँ पर सभी को कहता है कि दोस्तों हम अपनी मर्जी से ज़ॉम्बीज नहीं बने और ना ही इसमें हमारी कोई गलती है और हम इंसानों के बीच बिल्कुल भी महफूज नहीं क्योंकि वो लोग अब हमसे नफरत करते हैं। हमें अपने लिए कोई ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहाँ पर हम महफूज रह सकें। अब उसकी ये बात सुनकर सभी ज़ॉम्बीज बहुत खुश होते हैं। वेनिसा भी माइक की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके सर को रखने के लिए एक बैग लेकर आती है जिससे कि वो बाहर भी देख सके। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग छुपकर एक जगह आते हैं। जॉन कहता है कि आर्मी सब जगह मौजूद है, हमें उनसे बचकर जाना है। इसके बाद जॉन वहाँ खड़े एक आदमी को मारकर उसके कपड़े पहनकर खुद को छुपा लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फिर जॉन एक ट्रक को ड्राइव करता है और बाकी सभी लोग उसमें पीछे छुपकर बैठ जाते हैं और आर्मी कैंप की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद वो आर्मी कैंप पहुँच जाते हैं जहाँ एक शख्स उनके ट्रक को चेक करता है और सभी लोग मरने की एक्टिंग करते हैं। ऑफिसर चेक करके उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। अब अंदर जाते हुए माइक के सर वाला बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसे उठाने वो लोग रुक जाते हैं, लेकिन जॉन ट्रक का हैंड ब्रेक लगाना भूल जाता है इसीलिए ट्रक अपने आप आगे निकल जाता है। तभी आर्मी के लोग भी उन्हें देख लेते हैं जिनसे वो छुपकर वहां से भाग जाते हैं। सबको लग रहा था कि अब वो नहीं बचेंगे और इतने ज़्यादा आर्मी वालों से लड़ पाना मुश्किल है। तभी बैग के अंदर से माइक भी कुछ बोलना चाह रहा था। उसे जैसे ही बैग के अंदर से निकालते हैं तो देखते हैं कि उसके मुंह में बॉम्ब होता है जो कि उस बैग में ही मौजूद था। वो चारों को बचाने के लिए खुद को ब्लास्ट करके आर्मी को मार देना चाहता था जिससे इनके बीच बहस होने लगती है और इसी बीच आर्मी वाले वहां पर आ जाते हैं जिससे वो लोग माइक को वहां पर छोड़कर भाग जाते हैं। अब आर्मी वाले जैसे ही माइक के पास जाते हैं वो ब्लास्ट कर देता है जिसके बाद वो सब लोग वापस ट्रक पर पहुंचते हैं। सभी लोग माइक की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। जॉन सभी ज़ॉम्बीज को कहता है कि चलो आर्मी वालों को सबक सिखाएं जिनकी वजह से हम ज़ॉम्बीज बने। जॉन वहां पर देखता है कि कैंप में कर्नल और डॉक्टर भी थे। इसके बाद वेनिसा भी सभी ज़ॉम्बीज को प्लान समझाती है कि कैसे उन पर हमला करना है और सब लोगों को दो ग्रुप में बांट देती है, जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है। जॉन सभी को कहता है कि मैं उनका ध्यान अपनी तरफ करूंगा जिसे तुम अंदर जाकर हमला कर सको। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन आर्मी वालों के सामने चला जाता है और उनके सामने जाकर डांस करने लगता है। डॉक्टर उसके सर पर शूट करने का कहता है लेकिन कर्नल उसे ज़िंदा रखने का ऑर्डर देता है और तभी सभी ज़ॉम्बी आकर उन पर हमला कर देते हैं और ऐसा लगता है कि जॉन भी मर चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ की अब एक अलग दुनिया है जहाँ पर सब साथ होते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन अभी ज़िंदा होता है जिसे डॉक्टर और कर्नल लेकर वहाँ से भाग गए थे। कर्नल यहाँ पर जॉन को तड़पाने की धमकी देता है लेकिन जॉन कर्नल पर हंसते हुए बोलता है
कि मैं एक सोल्जर नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी हूँ। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपसे मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में।